मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि जी हुकूमत की जानब से आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए वोट दिया था कि इमरान खान साहब जो है ये महंगाई कंट्रोल करेंगे, लेकिन जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब जब भी नींद से बेदार होते हैं या तो पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं या खाने पीने की जो अशिया है इनकी रेट बढ़ा देते हैं। अब पोजीशन इस हद तक आ चुकी है कि हम लोग जो मजबूरन मोटरसाइकिलों पर सफर करते थे पैदल हो चुके हैं। खुदारा हमारी अपील है खान साहब से कि खान साहब होश के नाखून लें और पेट्रोल की जो कीमतें हैं आए रोज जो बढ़ाई जा रही हैं इन पर नोटिस लेकर हमें पुराना पाकिस्तान ही दे दें, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। पेट्रोल की हाल ही है जो कीमतें बढ़ी हैं, रात की उन्होंने बढ़ाई हैं, इसकी वजह से पहले ही वहाँ किसी हुई है तो महंगाई की वजह से आटा जो पेट्रोल महंगा हुआ है, पिछले दिनों में इन्होंने जो बिजली महंगी की है, वहाँ की मजबूहत चीज़ से वहाँ की पहुँच से दूर है, ना आटा खरीद सकता है इंसान, ना बीज सकता, ना जो ना चीनी ले सकता, ना दालें खरीद सकता, ऊपर की एक और बम गिरा दिया हम गरीबों के ऊपर, अब पैदल चलने पर मजबूर है, मोटरसाइकिल हमने घर खड़ा कर दिया, एक कभी एक निकाल लेते हैं कभी नहीं निकालते, उल्टे पट्टी में ले लेते हैं। अभी पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं तो उन्होंने कहा कि आज फिर 10-11 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। गुजारा खुदारा खुदा इस अवाम पर रहम कीजिए और कुछ ना कुछ इस अवाम का भी सोचिएगा, आप युवानों में बैठे हैं, इन गरीबों का भी सोचिए कोई, और ये पेट्रोल की जो कीमतें आपने की हैं कुछ वापस कीजिएगा, मेहरबानी होगी आपकी इमरान खान साहब। सानू तो जी वजीर आजम का खिताब ही पै गया महंगा, 24 मिनट पहले उन्होंने सुनते भी रहे हैं, एंड से खुशखबरी यही आई है कि जी तेल बढ़ गया, ना कोई तेल वधन के दिन आए हैं, 15-30 में वधदा या कम में वधदा, हुण सारा माफिया नूं फायदा दिता जा रहा है। तकरीर च ऐलान कर दिया गया जी तेल महंगा होएगा ताकि अपना अपना बचा के रख लवो, असी तेल महंगा कर देवे। हम तो वजीर आजम साहब गरीबों का बड़ा दर्द उठता वा, हम पेट्रोल के कि चीज़ा महंगी होंगे, 8 रुपये रात भी वधाता वा, 10-15 दिन पहले वधाया, 15-20 दिन 20 रुपये तेल वध गया, फिर बिजली की भी खुशखबरियां आ रही माशाल्लाह, यह सारी सर्दी आपको लगता है खुशखबरियां सुनते रहना अगले 1.5-2 साल तक, बंदे की रोजी खिंची हुई है पेट्रोल ने, होर की जाना बाकी बंदा की करे, इन्हों गवर्नमेंट के बारे में अभी की कह सकते, हर चीज़ में महंगाई की हुई है, तो पेट्रोल असी हर अगर असी 100 का पवाईदा हूँ 146 का पवा रहे, ये तो ये महंगाई का हर किसी पर असर पेगा। नमक का मैं काम करदा, नमक हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए इन वधाना चाहिए, हर चीज़ में वधाता नमक का रेट उ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा रहबर न्यूज़ YouTube लाइव।